नेपाल भारत के अपने रोटी बेटी के रिश्ते को लगातार उलझा रहा है। इसके पीछे चीन के साथ उसकी बढ़ती हुई करीबियों को देखा जा सकता है। नेपाल ने भारत के साथ तनाव को और भी बढ़ाते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक निर्माणाधीन बांध के निर्माण को रोक दिया है। नेपाली फोर्स ने उसे नो मैंस लैंड बताते हुए ऐसा दुस्साहसी कदम उठाया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा नेपाल से होते हुए बिहार आती हुई कोसी नदी, जो बिहार में आने वाले बाढ़ के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार होती है, उस पर बने बैराज के मरम्मत को भी नेपाल ने ब्लॉक करने का कदम उठाया है। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर पर कुछ बैराज बनाए गए हैं, जिससे कि नेपाल का पानी भारत में प्रवेश ना कर सके और यहाँ पर यानी कि बिहार में बाढ़ की स्थिति ना बन सके। इस बैराज के 18 गेट नेपाल के अंदर है, बाकी भारत में है। तो अक्सर ही मरम्मत के लिए भारतीय इंजीनियर और सैनिकों को नेपाल में बेरोक टोक प्रवेश करने की हमेशा से इजाजत रही है, लेकिन अब नेपाल का वो सहयोगी रवैया बदल चुका है। अब नेपाल ने इस एंट्री को ब्लॉक कर दिया है। इससे बारिश होने के बाद के हालात और भी खराब हो जाएंगे। बिहार के संजय झा ने कहा कि नेपाल पहली बार इस तरह की हेकड़ी दिखा रहा है। वो भारतीय विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी भी देंगे। इतना ही नहीं, इन दिनों नेपाल भारत के साथ सभी तरह के संबंधों को धूल में मिलाने में लगा हुआ है। नेपाल ने भारत से सटती हुई अपनी सभी सीमाओं पर फोर्स की भारी तैनाती कर रखी है और भारत के क्षेत्र जिन्हें उसने गैर संवैधानिक तरीके से अपने मानचित्र में जोड़ रखा है, अब नेपाल उसमें भी मौसम की जानकारी अपने रेडियो स्टेशन पर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। गौरतलब है कि नेपाल का ये काम उसी तर्ज पर किया जा रहा है जैसे पाक अधिकृत कश्मीर के मौसम की जानकारी आकाशवाणी द्वारा देकर पीओके पर भारत अपना अधिकार जताता है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार भारत के साथ नेपाल के सदियों पुराने सांस्कृतिक धार्मिक रिश्तों को खत्म करके चीन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहती है, लेकिन नेपाल की जनता ये नहीं जानती कि चीन दोस्ती का दिखावा कर नेपाल के कई जिलों को अपने अधीन कर रहा है और नेपाली कम्युनिस्ट सरकार इससे नेपाली जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत से सीमा विवाद को हवा दे रही है। इसी के साथ आज इतना ही। आपके मतलब की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर रहूंगी मैं ज्योति सिंह, आपको जागरूक बनाने के लिए। धन्यवाद।